महादेव YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। तो आज हम और मेरी बहन आई है और पलक नहीं आई है, तो आज पलक को हम लोगों ने स्किप कर दिया। चीटिंग करता है तू। तो फैमिली, आप देख सकते हो कि ये जो सामने का नज़ारा है, ये वही भव्य प्लेस है जहाँ एक महीने के लिए हमारे यहाँ पास कुंभ मेला लगता है, जो कि बहुत ही भव्य रहता है। ऐसा लगता है कि एक महीने के लिए यहाँ एक अलग ही दुनिया आके बस जाती है। तो गाइस, ये जो सामने आप रेत देख रहे हो, ये बस कुछ ही दिन का मेहमान है। कुछ दिन के बाद ये पूरा पानी पानी हो जाएगा। और वो जो सामने आप देख सकते हो, वो नैनी ब्रिज है, और उसी के जस्ट नीचे, एक सेकेंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ, वो है हमारा नैनी ब्रिज। और उसके थोड़े से इधर साइड, जहाँ मेरा फिंगर आप देख सकते हो, वहाँ हमारे बंधुआ वाले हनुमान जी हैं, जो कि हर साल हमारी गंगा मैया उन वहाँ तक जाती है और हर साल उनको स्नान करवाती हैं। तो कुछ ऐसा अभी वाइब है हमारे प्रयागराज का। तो फैमिली, हम लोग चलते दूसरे प्लेस पर और आपको दूसरे जगह से दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या हो रखा है। तो चलिए चलते हैं। तो फैमिली, आप देख सकते हो कि अभी हम लोग आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज के नीचे, और शास्त्री ब्रिज के नीचे इतना पानी आ चुका है, तो कुछ ऐसा वाइब है भी अपने यहाँ का। तो फैमिली, अभी हमारे शास्त्री ब्रिज के नीचे इतना पानी आ चुका है, जो कि आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से पानी बढ़ रहा है। ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, पानी आता जा रहा है, वो भी तेजी में, देखिए। भागा जा रहा है, बोल रहा है हमको ना लाओ, किस तरह बने हैं। जल्दी कैमरा बंद करो, जल्दी वहाँ से हटो। क्यों बंद करे? तो जितने भी देख रहे हैं, जो रूट घर में इसी तरह रहता है, इसका नाम तो वैसे अभिषेक है, पर इसे प्यार से लोग जो रूट बुलाते हैं, ये भागा जा रहा है, कैमरे में भी नहीं आ रहा है। सुनो, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो पानी आ रहा है, थोड़ा सा रेत बचा हुआ है, वही इसका क्रिकेट का स्टेडियम था, जो कि अब पानी भरने वाला और अभी जाने का रास्ता नहीं है, तब इसका मुंह बन रहा है। इसी वजह से ये हम लोग के साथ आया है, नहीं तो ये आता भी ना। तो देख लो, गेम वाले जितने भी हो, ये हम लोग के साथ बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो फैमिली, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग जस्ट है शास्त्री ब्रिज के नीचे, और शास्त्री ब्रिज के जहाँ पे भगवान जी का सर है, यहाँ तक का बाढ़ का पानी अक्सर आता है। जब जब यहाँ पे बाढ़ आता है, तो यहाँ पे पानी ज़रूर आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं शास्त्री ब्रिज के ऊपर और आपको ऊपर से सीन दिखाते हैं कि यहाँ का क्या वाइब है। तो फैमिली, हम लोग आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज पर और आपको अब यहाँ से दिखाने चल रहे हैं कि शास्त्री ब्रिज से कैसा नज़ारा दिखता है। रेत बचा हुआ है, बस वो एक से दो दिन का मेहमान है, फिर इसके बाद ये भी पूरी तरह से डूब जाएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह देखने में व्यूज लगता है। और अभी हम लोग हाल ही में बनाया है संगम का वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है कि वहाँ पे कितना बाढ़ आ चुका है, तो जल्दी जाइए वहाँ पर, वहाँ का भी वीडियो देखिए। तो आप देख सकते हो कि कांवरिया बनारसी जाते टाइम कितना ज़्यादा हंसते खेलते नाचते हुए जा रहे हैं, एंड अगर ये कोई नॉर्मल इंसान हो, वो इतनी धूप में पैदल ऐसे डांस करते हुए तो नहीं जा सकता, बिकॉज इतनी गर्मी जो है। सो फैमिली, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पेंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।